नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। पूरी दुनिया को एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा से परिचित कराने वाले दीनदयाल उपाध्याय एक प्रखर विचारक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन भर अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को महत्व दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वैचारिक मार्गदर्शन और नैतिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्रवादी तो थे ही, इसके साथ ही साथ भारतीय राजनीति के पुरोधा भी थे। दीनदयाल की मान्यता थी कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज विशेष में बात करेंगे उनके विचारों और आदर्शों की, नजर डालेंगे उनके जीवन सफर पर, साथ ही ये भी बताएंगे कि उनके विचार और सिद्धांत आज भी इतने प्रासंगिक क्यों हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पूरा जीवन सामाजिक समरसता का अनुपम उदाहरण है। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा को ही अपना लक्ष्य मानकर जीवन प्रयत्न उसके लिए कार्य करते रहे। पूरी दुनिया को एकात्म मानववाद जैसे प्रगतिशील विचारधारा से परिचित कराने वाले दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था। वो भारतीय जनसंघ के नेता होने के साथ ही भारतीय राजनीतिक और आर्थिक चिंतन को वैचारिक दिशा देने वाले पुरोधा थे। उन्होंने अपना जीवन लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने और राजनीति में जनता के वास्तविक मुद्दों को आगे रखने में लगा दिया। दुनिया को एकात्म मानववाद के वैज्ञानिक विवेचना से परिचित कराने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक गंभीर दार्शनिक और गहन चिंतक थे। इसके साथ ही वे ऐसे समर्पित संगठनकर्ता और नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत शुचिता और गरिमा के उच्चतम आयाम स्थापित किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 वर्तमान उत्तर प्रदेश की पवित्र ब्रजभूमि मथुरा के नंगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय और माँ का नाम राम प्यारी था। जब वे मात्र 2.5 साल के थे तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1924 में उनकी माँ का भी निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनके नाना के यहाँ होने लगा। नाना के गुजर जाने के बाद उनके मामा ने इनका पालन पोषण किया। छोटी सी उम्र में ही दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर खुद की देखभाल के साथ साथ अपने छोटे भाई को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। हालांकि 1934 में दीनदयाल उपाध्याय को एक और गहरा आघात सहना पड़ा जब बीमारी के कारण उनके भाई का निधन हो गया। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा वर्तमान राजस्थान के सीकर में हासिल की। दीनदयाल उपाध्याय ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पिलानी में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। उन्होंने सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से 1939 में ग्रेजुएशन की डिग्री फर्स्ट डिवीजन से हासिल की। अंग्रेजी साहित्य में एमए की पढ़ाई के लिए आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि ममेरी बहन की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें एमए की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। एक स्थिति ऐसी आई थी, नब सीकर के जब कॉलेज में वो पढ़ रहे थे, हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, वहाँ पर उनको बिरलास ने अपनी तरफ से एक स्पेशल पुरस्कार दिया और छात्रवृत्ति बांधी और उनसे कहा कि बताओ इतने मेधावी छात्र हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बस सिर्फ इतना कहा कि कुछ नहीं, आप आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं और पढ़ाई कर सकूं और देश की सेवा कर सकूं। इसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक सेवा में लगा दिया। वे जीवन भर अविवाहित रहे। कानपुर में स्नातक करने के दौरान अपने मित्र बलवंत महाशब्दे की प्रेरणा से 1937 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित हो गए। आगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा के दौरान उनका परिचय नानाजी देशमुख और भाऊ जुगड़े से हुआ। कानपुर में ही भावराव देवरजी, जो उस समय संघ के वरिष्ठ अधिकारी थे,
वे उनको संघ के में निकट लाए, शाखा जाना शुरू हुआ और लगभग 40 के समय वे संघ में उनका प्रवेश हुआ। उनका तृतीय वर्ष नागपुर में हुआ और उसके बाद उनकी जो एक विद्या के क्षेत्र में अग्रणी स्थिति थी, तो वे पांचजन्य और राष्ट्रधर्म जब लखनऊ में प्रारंभ हुआ तो उसके सूत्रधार पंडित जी ही बने। सरकारी नौकरी में चुने जाने के बावजूद उन्होंने राष्ट्र और समाज सेवा को ही चुना। 1942 में प्रयाग से बीटी का कोर्स पूरा करने के बाद दीनदयाल उपाध्याय ने संघ शिक्षा वर्ग का द्वितीय वर्ष पूरा किया और संघ के पूर्णकालिक प्रचारक होकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में आ गए। अपनी कर्मठता के कारण 3 वर्ष के अल्पकाल में ही 1945 में उत्तर प्रदेश प्रांत के सह प्रांत प्रचारक बन गए। दीनदयाल उपाध्याय ने आरएसएस के माध्यम से देश सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और देश में राष्ट्रवाद की अलग जगाने के लिए आंदोलन शुरू किया। इस घटनाक्रम में दीनदयाल उपाध्याय ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21 सितंबर 1951 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक राजनीतिक सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसी सम्मेलन में देश में एक नए राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की राज्य इकाई की स्थापना हुई। इसके एक महीने बाद 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली में भारतीय जनसंघ के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसी के साथ भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ की स्थापना के साथ ही दीनदयाल उपाध्याय का जीवन 2 भागों में समर्पित हो गया, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरा जनसंघ। भारतीय जनसंघ को देश की राजनीति में स्थापित करने में दीनदयाल उपाध्याय का नाम अग्रणी नेताओं में गिना जाता है। 1952 में उन्हें जनसंघ का महामंत्री नियुक्त किया गया। 1952 से 1967 तक लगातार वे जनसंघ के नीति निर्धारक और पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते रहे। इस दौरान वे पार्टी की नीति, रीति, संगठन, चुनाव, आंदोलन सबका संचालन करते रहे। दीनदयाल उपाध्याय में संगठन का अद्भुत कौशल था। दिसंबर 1967 में जनसंघ का अखिल भारतीय अधिवेशन कालीकाट में हुआ। इसमें दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जनसंघ और उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उनके बीच में भी एक बहुत अच्छा था तालमेल बैठाया और वो अकेले एक इस किस्म के आप कह सकते हैं कि जनरल सेक्रेटरी या सर्वे सर्वा ही थे उस समय जनसंघ के, जो और जनसंघ के ही नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर हम देखें जिन्होंने उसको एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ दी, उसके पीछे विचारधारा, तो विचारधारा उन्होंने धीरे धीरे एक इवॉल्व करी जो विचारधारा को बाद में हम लोगों ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्मानव दर्शन के नाम से जाना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति में हमेशा से शुचिता के समर्थक थे। वे खुद कभी चुनावी अखाड़े में नहीं उतरना चाहते थे, लेकिन 1963 में हालात कुछ ऐसे बने कि उन्होंने जीवन में पहली और आखिरी बार चुनाव लड़ा। तीसरी लोकसभा चुनाव हुए अभी साल भर ही बीते थे कि 1963 में जौनपुर संसदीय सीट जनसंघ के सदस्य ब्रह्मजीत सिंह के निधन के कारण खाली हो गया। कार्यकर्ता के दबाव और खासकर भाऊराव देवरस के आग्रह पर दीनदयाल उपाध्याय 1963 में जौनपुर लोकसभा से उपचुनाव लड़ने को तैयार हो गए। वे राजनीति में अवसरवाद और सिद्धांतहीनता के हमेशा खिलाफ रहे। यही वजह थी कि उन्होंने उपचुनाव में जातिगत समीकरणों के आधार पर प्रचार से इनकार कर दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी राजदेव सिंह ने इस सीट पर जीत के लिए हर चुनावी हथकंडे अपनाए। दीनदयाल उपाध्याय हार भी गए, लेकिन उन्होंने राजनीति के उच्च आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया। देश के राजनीतिक इतिहास में 11 फरवरी 1968 का दिन एक बेहद दुखद और काला दिन है। दीनदयाल उपाध्याय लखनऊ से पटना जा रहे थे। इस दौरान 11 फरवरी को उनका शव रहस्यमय तरीके से
मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में मिला। उनके निधन के खबर फैलते ही सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई। जो भी स्टेशन मास्टर थे उनका भी देहांत हो गया, तो वास्तव में स्टेशन पर उनका जीवन प्रारंभ हुआ। और मुगल सराय स्टेशन जो अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जिसका नामकरण किया गया है वहीं पर उनका अंत हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण और रहस्यमय परिस्थिति में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से ही इस पार्टी के लिए वैचारिक मार्गदर्शक और नैतिक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद जैसे प्रगतिशील विचारधारा से दुनिया का परिचय कराया। उनका दर्शन पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों की सशक्त समालोचना है। उनका राजनीतिक दर्शन मानव मात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप जीवन दर्शन है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के नेता और भारतीय राजनीति और आर्थिक चिंतन को वैचारिक दिशा देने वाले पुरोधा थे। वो उस परंपरा के वाहक थे जो भारत नवनिर्माण की बजाय भारत के पुनर्निर्माण की बात करती है। उनकी विचारधारा का मुख्य पहलू था उनका दिया एकात्म मानववाद। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एकात्म मानववाद। जिस समय पूरा विश्व पूंजीवाद और साम्यवाद की अच्छाई और बुराई की बहस में उलझा हुआ था, उसी वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इन दोनों विचारधाराओं को नकारते हुए एकात्म मानववाद की अवधारणा दी। दरअसल एकात्म मानववाद भारतीय संस्कृति, विचार और दर्शन के बीच से ही उपजा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कभी भी इस बात का दावा नहीं किया कि उन्होंने दुनिया के सामने कोई नया वाद रखा है। वे बार बार कहते रहे कि एकात्म मानववाद के जरिए वे भारत की सनातन संस्कृति की ही बात कर रहे हैं। उनका मानना था कि समाज का आधार संघर्ष नहीं सहयोग है। एकात्म मानव दर्शन बेसिकली दीनदयाल जी ने जब इस फिलॉसफी को सामने रखा तो उन्होंने इस बारे में स्पष्ट थे कि मैं आप लोगों को कोई नई चीज़ नहीं आपके सामने देश के सामने रख रहा हूँ। हमारी जो मिट्टी है इन सब के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है और जो हमारे स्वभाव से मेल खाती हुई चीज़ें हैं उन सब का एक मिश्रण और उन सब का जो निचोड़ है दैट इज एकात्म मानव दर्शन। आज़ादी के बाद की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानव कल्याण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की अवधारणा को समाज के सामने रखा। इसके जरिए उन्होंने आम इंसान की गरिमा को स्थापित करने का प्रयास किया। सबसे पहले 1964 में ग्वालियर में आयोजित भारतीय जनसंघ के अधिवेशन में उन्होंने एकात्म मानववाद का विचार प्रस्तुत किया। अगले ही साल 1965 में इसे स्वीकार कर लिया गया। इसी साल 22 से 25 अप्रैल तक पूना में आयोजित जनसंघ के अधिवेशन में उन्होंने एकात्म मानववाद के बारे में विस्तार से बताया। दरअसल पूंजीवाद ने जहां मानववाद को एक आर्थिक इकाई माना और साम्यवाद ने व्यक्ति को एक राजनीतिक और कार्मिक इकाई माना, वहीं इन सबसे अलग एकात्म मानववाद में व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और फिर मानवता को अपनाया। एकात्म मानववाद इन सब इकाइयों में समाहित परस्पर पूरक संबंधों पर ज्यादा जोर देता है। एकात्म मानववाद के अनुसार व्यक्ति केवल शरीर नहीं है, इसलिए शरीर पर ठीक से विचार किया जाना चाहिए। इसके अनुसार मनुष्य का शरीर मन, बुद्धि और आत्मा का मिलन है, इसलिए मानव को समग्र रूप में देखना चाहिए और यही समग्रता उसे समाज के लिए उपयुक्त और उपादेय बनाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये मानना था कि शरीर हमारे धर्म जीवन और सभी कार्यों और लक्ष्यों का साधन है। उनका मानना था कि भारतीय चिंतन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अवधारणा का विचार ही एकात्म मानववाद में समाहित है। पूरे मानव को निर्माण करने वाले इन चार तत्वों में एकात्मता अपेक्षित है, क्योंकि यही एकात्मता मानव को कर्मठता और प्रेरित कर उद्यमी बना सकती है, जिससे पूरे समाज का कल्याण होगा। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को सुख, समृद्धि, शिक्षा और संस्कार मिले, इसके लिए ही सरकार की, शासन की नीति होनी चाहिए और
समाज तथा सरकार दोनों को परस्पर सहयोग के साथ राष्ट्र के अभ्युदय और परम वैभव के लिए काम करना चाहिए। एकात्म मानव दर्शन का मूल स्वभाव यही है। दीनदयाल उपाध्याय मानते थे कि भारत को चलाने के लिए भारतीय दर्शन ही सबसे उपयुक्त हो सकता है, चाहे राजनीति का सवाल हो या अर्थव्यवस्था का या समाज का। भारतीय अर्थनीति के स्वरूप और विकास को भी उन्होंने इसी दृष्टि से देखा। अपने लेख भारतीय अर्थनीति विकास की दशा में उन्होंने लिखा कि शासन का उद्देश्य उन्योदय की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए। उनका मानना था कि शासन को व्यापार नहीं करना चाहिए और व्यापारी के हाथ में शासन नहीं आना चाहिए। आजादी के बाद से ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के विकास के लिए ग्रामीण विकास और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। आज सबका साथ सबका विकास जैसा नारा भी उन्हीं की अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा पर ही आधारित है। दीनदयाल जी ने एक शब्द पर विशेष जोर दिया, एक जागन पे, लोकमत परिष्कार। और उन्होंने कहा कि लोकमत परिष्कार का मतलब ये है कि हमें देश में इस किस्म की अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, जहाँ पर हम लोग जाति से दूर रहें, धर्म की और इन सब चीज़ों से आपस में किसी किस्म के मनमुटाव नहीं हों, हमारी आर्थिक नीतियाँ इस तरीके की हों जहाँ डिस्पैरिटीज़ नहीं हों, कम से कम आपस में विसंगतियाँ हों, और जब ये चीज़ें सब हो सकेंगी तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। अच्छे समाज का निर्माण करेंगे तो अच्छी राजनीति होगी, अच्छी राजनीति होगी तो अच्छी सरकार बनेगी, अच्छा सरकार होगी तो अच्छा देश का निर्माण होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमेशा विकेंद्रित व्यवस्था के पक्षधर रहे। वे तमाम सामाजिक क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ थे। उनका मानना था कि मेहनतकश लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए राज्य पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। शिक्षा के सरकारीकरण के भी वो हमेशा से विरोधी रहे। उनका मानना था कि शिक्षा देने का काम सरकार के हाथों में नहीं दिया जा सकता, ये काम समाज पर छोड़ा जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि सरकार उन्हीं क्षेत्रों में उतरे और काम करे जिन क्षेत्रों में समाज या निजी क्षेत्र जोखिम नहीं लेते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मत था कि आर्थिक और राजनीतिक ताकत का एक जगह जमा होना लोकतंत्र के खिलाफ है। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद महज एक वैचारिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि इसमें राजनीति, समाज नीति, अर्थव्यवस्था, उद्योग, शिक्षा और लोकनीति पर व्यापक और व्यावहारिक नीति निर्देश भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जीवन के कई आयाम जिए। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ बहुत बड़े पत्रकार और संचारक थे। पत्रों का संपादन, प्रकाशन, स्तंभ लेखन, पुस्तक लेखन उनकी रुचि का विषय था, जिसे उन्होंने अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए इस्तेमाल किया। आइए एक पत्रकार के तौर पर दीनदयाल उपाध्याय को जानने की कोशिश करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे समाज के विषयों में हस्तक्षेप करने के लिए अपने कई तरीकों से समाज के बीच अपने विचारों को रखते। सामाजिक विचारक के तौर पर, अर्थशास्त्री के तौर पर, शिक्षाविद की भूमिका हो, बतौर राजनेता या वक्ता, लेखक और पत्रकार, उन्होंने हर भूमिका में समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। उन्होंने उस दौर में पत्रकारिता को अपनाया जब पत्रकारिता मिशन हुआ करती थी। उसे जीवन यापन के जरिए से ज्यादा समाज में नई अलग जगाने के लिए जाना जाता था। खासकर स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता की राह चुनना बेहद मुश्किल फैसला माना जाता था, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय के मन में कोई दुविधा नहीं थी। वो जानते थे कि देश को आजाद कराने और नए भारत के निर्माण के लिए अपने विचारों को लेखन के माध्यम से जनता के बीच ले जाना होगा। आदर्श पत्रकार, कभी किसी के प्रति कटु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शब्द की शालीनता और वाणी का संयम, यह पत्रकारिता के धर्म में यदि किसी ने निभाया तो वे
पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, और इतना समर्पण और मिशनरी भावना, उन्होंने पत्रकारिता को व्यवसाय के रूप में नहीं लिया। बतौर पत्रकार वो सबकी नजर में तब आए जब लखनऊ से 1947 में राष्ट्रधर्म का प्रकाशन शुरू हुआ। राष्ट्रधर्म के जरिए देश की चेतना में राष्ट्रवाद के विचारों को मजबूत करने की सिफारिश हुई। भारत बंटवारे के बाद उन्हें इस मासिक के प्रकाशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। राष्ट्रधर्म में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम बतौर संपादक तो नहीं छपता था, लेकिन हर कोई राष्ट्रवाद पर उनकी धारदार लेखनी और विचारों की छाप आसानी से देख सकता। उन्होंने उस दौर में उसी सामग्री को छापने का फैसला लिया जिसमें सकारात्मक पहलू हो। दरअसल वो अपनी विचारधारा की आलोचना से कभी परहेज नहीं करते थे। वो मानते थे अगर भाषा संयमित और स्वस्थ आलोचना हो तो विरोधी पक्ष को भी सुना जाना चाहिए। पंडित जी के पास की पत्रकारिता की कोई औपचारिक पढ़ाई या अनुभव नहीं था, लिहाजा उन्होंने राष्ट्रधर्म से ही पत्रकारिता और संपादन के गुर न सिर्फ सीखे बल्कि उस दौर के कई महत्वपूर्ण लोगों को प्रेरणा भी दी। बाद में साप्ताहिक पंचजन्य और दैनिक स्वदेश भी छपने लगे जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बतौर संपादक जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय से शुरुआती दौर में काफी कुछ सीखा। अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकारिता के शुरुआती दौर से ही एक सहयोगी के तौर पर मिले। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय राजनीति के क्षेत्र में चले गए, लेकिन उन्होंने अपने लेखों से जनता से संवाद बनाए रखा। उनके सभी लेखों में आप इस चीज को पाएंगे कि उन्होंने अपनी बात को बहुत आग्रह पूर्वक रखा है, बहुत दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ रखा है, लेकिन कभी भी उसमें एग्रेशन नहीं रहा, आक्रामक शैली में नहीं लिखते थे वह, बहुत अच्छे से समझाने वाली बातें। पंचजन्य में उनके लगातार लेख छपते, वहीं साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर में भी उनका नियमित कॉलम छपता। इस कॉलम का नाम था पॉलिटिकल डायरी। उनके लेखों को पढ़कर ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नेहरू काल की तमाम नीतियों के प्रखर आलोचक होने के बावजूद उनकी भाषा में उच्च कोटि का संयम और संतुलन रहता था। खबर को विकृति के स्तर पर नहीं ले जाने की वो पुरजोर वकालत करते और यही उनका मंत्र भी था। वो किसी व्यक्ति या विचारधारा के प्रति पूर्वाग्रह बनाकर चलने के खिलाफ थे। उन्होंने पत्रकारिता को व्यवसाय के रूप में नहीं लिया, एक मिशन भावना से लिया कि पांचजन्य की कंपोजिंग भी उन्होंने की जब कंपोजिटर नहीं आते थे, और जब डिस्पैचर नहीं आया तो साइकिल पर पांचजन्य के बंडल लेकर लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर डिस्पैच के लिए भी ले गए। दीनदयाल उपाध्याय के पत्रकारिता में आने के बाद कई लोगों को पत्रकारिता का मिशन बनाकर चलने की प्रेरणा मिली। दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सरोकारों से भटकी हुई पत्रकारिता को बहुत खतरनाक मानते थे। उनकी सोच थी कि पत्रकारिता समाज का मार्गदर्शन करे और समाज के सामने नया विचार पेश करे। पंचजन्य में उनके स्तंभ विचार विधि में हमेशा उनका प्रयास एक नया और संतुलन विचार देने का रहा। अपने लेखों में वो सरकार के प्रति नरम दृष्टिकोण कतई नहीं रखते, लेकिन उनकी भाषा सौम्य रहती, उनकी बातों में सच्चाई और दृढ़ता। उनका मत था कि पत्रकार को केवल और केवल सत्य ही लिखना चाहिए, लेकिन वो ये भी मानते कि कटु सत्य को सौम्य तरीके से ही लिखा जाए। वो ये भी मानते थे कि समाचार चयन में कभी पक्षपात ना हो। वो सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करते, लेकिन लिखते वक्त ये ध्यान रखते कि किसी का अनादर ना करें या कटुता की कोई भावना ना दिखे। वो पत्रकारिता को राजनेताओं के इर्द गिर्द समेटने का भी विरोध करते थे। उनका मानना था कि समाचार पत्र पत्रिकाओं में साहित्य, संस्कृति, धर्म से लेकर समाज के हर आयाम समाहित हों। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दीनदयाल उपाध्याय को गुजरे 5 दशक से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उनके विचारों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। उन्होंने उस दौर में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अवधारणा की जो परिकल्पना समाज के सामने रखी, वो आज भी समाज की जरूरत बनी हुई है।
भारत को आजाद हुए 7 दशक से ज्यादा हो गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने आजादी के वक्त और उसके तुरंत बाद जिस दौर में पत्रकारिता, साहित्य और राजनीति के जरिए समाज के जिस ताने बाने को सामने रखा, वो आज भी प्रासंगिक है। दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों विचारों के विकल्प के रूप में एकात्म मानववाद का दर्शन रखा था। उनके इस दर्शन में पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की एक ऐसी राह का पक्ष है जिसमें दोनों प्रणालियों के गुण तो मौजूद हों, लेकिन उनके अतिरेक और अलगाव जैसी बातें न हों। जानकार भारतीय समाज की संरचना को देखते हुए दीनदयाल उपाध्याय के इस सिद्धांत को आज के समाज में व्यवहारिक मानते हैं। भविष्य की महानता और परम वैभव का एक सपना ही न जगे, वरन उस सपने को साकार करने का सामर्थ्य भी पैदा हो और लोकतांत्रिक पद्धति से समाज में ऐसा परिवर्तन आए कि जो कलुष, भ्रष्टाचार, कदाचार, अनाचार, इस प्रकार की प्रवृत्तियों में संलग्न राजनीति करते हैं, वह राजनीति का अंत हो, उसका समाप्त हो। पत्रकारिता के अपने काल में दीनदयाल उपाध्याय ने भाषा के जिस संयम पर जोर दिया, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत आज के दौर में महसूस होती है। दीनदयाल उपाध्याय ने सत्ता के विरोध का रास्ता कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उनके विरोधी भी इस बात को महसूस करते थे कि जिस संतुलन और सौम्यता से दीनदयाल उपाध्याय आलोचना करते थे, वो उच्च कोटि की होने के साथ साथ आत्मचिंतन करने को भी बाध्य करती थी। अपने साहित्य के जरिए उन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास को भी दुनिया के सामने रखा। दरअसल उनकी सोच थी कि साहित्य के जरिए राष्ट्रीय सरोकारों को महत्व दिया जाए। 1946 में उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त के जीवन पर आधारित किताब सम्राट चंद्रगुप्त लिखी। एक ही रात में लिखी गई यह किताब इतनी लोकप्रिय हुई कि इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसी तरह आदि गुरु शंकराचार्य की जीवनी भी उन्होंने रेल यात्रा के दौरान बेहद कम समय में लिख डाली। देश की नीतियों और अर्थ जगत पर भी उनकी गहरी नजर थी। वो चाहते थे कि सत्ता पक्ष की हर नीति की मंजिल देश की अंतिम पंक्ति में खड़ा नागरिक हो। अंत्योदय की ये सोच आज भी देश के नीति नियंताओं के लिए प्रेरणादायी और प्रासंगिक है। उन्होंने द टू प्लान्स पुस्तक के जरिए विदेशों से आयातित अर्थनीति का जमकर विरोध किया, तो भारतीय अर्थनीति दशा और दिशा की रचना कर भारत के अनुकूल अर्थनीति का स्वरूप पेश किया। उन्होंने बहुत ही सीरियस किस्म की एक किताब लिखी, वो थी द टू प्लान्स, जो फर्स्ट प्लान और सेकंड प्लान का उनका क्रिटिक लिखा। और जो उनका क्रिटिक लिखा उन्होंने, वो क्रिटिक इतना अच्छा था कि उस समय के जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे श्रीमन नारायण, उन्होंने एक पत्र लिखा सभी अधिकारियों को, प्लानिंग कमीशन के अधिकारियों को और मेंबर्स को, कि ऐसा क्रिटिक मैंने कभी नहीं देखा है, चाहे वो विपक्षी दल के थे, वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े सदस्य थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा क्रिटिक नहीं देखा है और आपको अपनी योजनाओं के बारे में इस एनालिसिस को अवश्य पढ़ना चाहिए। इसी तरह राजनीति हो, साहित्य हो, अर्थव्यवस्था हो या मानव कल्याण की बात, दीनदयाल उपाध्याय ने हर विषय पर अपने विचार रखे और उनके आधार पर भविष्य का जो खाका पेश किया, वो आज भी अहमियत रखता है। अनुदीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ आज के विशेष के इस खास अंक में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।